नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द मायास हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नाग पंचमी के बारे में विस्तार से बताऊंगी, तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर दबा दें जिससे जो भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाग पंचमी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष नाग आदि सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। कथा के बारे में बात करेंगे। प्राचीन दंत कथाओं में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार से है। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के दो पुत्र एवं एक पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय सांप के तीन बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर संतान के हत्यारे से बदला लेने के लिए चल दी। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची, तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ला पंचमी थी। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। सो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबा दें। अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।